मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। परम पिता परमात्मा ने हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। हमारे देश के हर गांव में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर बीमारी के इलाज की दवा मिल जाती है। कई बार तो हम अपने घर में झांक कर देखें, हमारे घर में ही बहुत सारी दवाएं हैं जिनसे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसे आपके घर में दालचीनी है, बहुत अच्छी दवा है। आपके घर में हल्दी है, बहुत अच्छी दवा है। आपके घर में जीरा है, बहुत अच्छी दवा है। आपके घर में धनिया है, बहुत अद्भुत दवा है। आपके घर में पुदीना है, बहुत अच्छी दवा है। आपके घर में मीठे नीम का पत्ता है जिसको कड़ी पत्ता भी कहते हैं, ये बहुत अद्भुत दवा है। आपके घर में तुलसी का पत्ता है, बहुत अच्छी दवा है। आपके घर में काली मिर्च है, बहुत अच्छी दवा है। आपके घर में सौंठ है, अदरक है, पीपर है, ऐसी सैकड़ों दवाएं हमारे घर में, गांव से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जिन चीजों को हर दिन आप अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं मसाले के रूप में, इनमें से कोई भी मसाला नहीं है, सभी दवाएं। और उनको दवा के रूप में जब आप उपयोग करें तो उनके बहुत अद्भुत परिणाम आए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस बीमारी में हमारे रसोई की कौन सी दवा काम आती है। अगर आप में से किसी भी भाई बहन के पास कागज पेन है तो आप लिख लीजिए, क्योंकि जो मैं आप बताऊंगा ये जिंदगी भर आपके काम आएगा। और नहीं तो ध्यान से सुन लीजिए और याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगी। ऐसी कई दवाएं मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे घर में उसे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ऐसी कुछ दवाएं बताऊंगा। हम आजकल एक बहुत खराब बीमारी से पीड़ित है, बीपी, रक्त दबाव बढ़ गया, खून का दबाव बढ़ गया, हाई ब्लड प्रेशर। इस हाई ब्लड प्रेशर में अगर आप अंग्रेजी दवा खाएंगे कोई भी तो वो जिंदगी पड़ेगी और उसके बाद भी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। दुनिया में कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो आपका ब्लड प्रेशर ठीक कर देगा। लेकिन अपने रसोई घर में एक दवा है जो ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए ठीक कर देती, बहुत दवा। उस दवा का नाम है दालचीनी। दालचीनी ले लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, उसमें शहद मिलाकर उसको चाट के खाइए। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद, दोनों मिलाइए, चाट के गर्म पानी के साथ उसको खाइए और 2-3 महीने लगातार अगर आपने ले लिया तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतनी अच्छी दवा है दालचीनी। दूसरी एक दवा हमारे घर में है वो ब्लड प्रेशर को ठीक करती है। उस दवा का नाम है मेथी का दाना। मेथी का दाना आधा चम्मच लीजिए, रात को एक गिलास पानी में डालिए, रात भर उस मेथी दाने को पानी में पड़ा रहने दीजिए। रात भर में मेथी दाना फूल जाएगा, फिर उठकर उस मेथी दाने को चबा के खाइए और पीछे से वो पानी पी लीजिए जिसमें मेथी दाना डाला था। 2-3 महीने लगातार अगर मेथी दाने पर आपने किया तो ब्लड प्रेशर आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाए। कितनी अच्छी दवा है मेथी दाना। आप मेथी दाने का इस्तेमाल अक्सर अचार बनाने में करते हैं, आप मेथी दाने का इस्तेमाल अक्सर सब्जियां बनाने में करते हैं। जो मेथी दाना अचार में काम आता है, सब्जियों में काम आता है, वही मेथी दाना ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए ठीक कर देता है। ऐसे ही एक बहुत अच्छी दवा है हमारे पास, वो भी ब्लड प्रेशर को ठीक कर देती है। उस दवा का नाम है बेलपत्री का पत्ता। शंकर भगवान को हम जो बेलपत्री चढ़ाते हैं वो बेलपत्री का पत्ता डायबिटीज की सबसे अच्छी दवा है। बेलपत्री का पेड़ कहीं भी मिल जाएगा, आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। बेलपत्री के 5-6 पत्ते पीसने के बाद उसको चटनी बन गया, एक गिलास पानी में डाल दीजिए और उस पानी को इतना गर्म करिए कि पानी आधा हो जाए, फिर उस पानी को ठंडा कर लीजिए और उसको सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। 2-3 महीने अगर किसी ने भी बेलपत्री का पत्ता पानी में पी लिया मिलाकर, तो उसका 40-40 साल पुराना ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए मात्र 2-3 महीने। इतनी अच्छी दवा है ये ब्लड प्रेशर को ठीक करने। अब मैंने आपको 3 दवाएं बताई, एक दालचीनी वो आपके घर में है, एक मेथी का दाना वो भी आपके घर में है, बेलपत्री का पत्ता
घर के पड़ोस में कहीं से भी मिल जाए। ऐसे ही ब्लड प्रेशर ठीक करने की एक और बहुत अच्छी दवा हमारे घर में है, वो है लौकी का रस पीना। लौकी जिसकी आप सब्जी बनाते हैं, कोई लोग उसको घिया भी कहते हैं, कोई लोग उसको लौकी कहते हैं। तो लौकी और घिया ये एक ही फल है, एक तो लंबा वाला आता है और एक गोल वाला आता है। ये जो लौकी है इसका छिलका मत उतारना, इसका छिलका सहित रस निकाल लीजिए। आप पूछेंगे लौकी का रस कैसे निकलेगा? आपके घर में अगर मिक्सर है, जूसर है, मशीन है तो छोटे छोटे टुकड़े काट के मशीन में डाल दीजिए, रस निकल आएगा। और नहीं तो आप ऐसा करिए, लौकी के छोटे टुकड़े काटिए, पत्थर पे उसको पीस लीजिए और पिसा हुआ लौकी एक कपड़े में रख के निचोड़ दीजिए तो रस निकल आए। ये रस रोज पीना है, एक कप। एक कप लौकी का रस कोई भी सुबह खाली पेट पिएगा, उसी का ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक होगा। 2-3 महीने में ये भी ठीक करें। लौकी के रस में आप पूछेंगे कुछ मिलाना है क्या? इसमें नमक मत मिलाना कभी भी, नमक अच्छा ना। लौकी के रस में नमक नहीं मिलाना। तो क्या मिलाना? थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा पुदीना पत्ता, थोड़ा तुलसी पत्ता। 8-10 पत्ते धनिये के, 8-10 पत्ते पुदीने के, 8-10 पत्ते तुलसी के, तीनों पीस कर लौकी के रस में मिला लीजिए और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च मिलाइए पीस कर और इसे पी लीजिए हर दिन सुबह खाली पेट, तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक दवा बताता हूँ ब्लड प्रेशर ठीक करना है, वो भी हमारे घर के नजदीक में ही मिल जाएगी। अगर आपके गांव में, आपके घर के आसपास कोई देशी गाय है, देशी गाय, तो देशी गाय का ताजा मूत्र 1/2 कप जो कोई भी पिएगा उसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। देशी गाय और उसका ताजा मूत्र 1/2 कप माने 50 मिलीग्राम कोई भी सुबह पी ले उसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। तो आप देशी गाय का मूत्र पी सकते हैं, आप लौकी का रस पी सकते हैं, आप दालचीनी पाउडर को शहद में मिला के खा सकते हैं। आपको मैंने बेलपत्री का पत्ते का काढ़ा बताया, आप उसे ले सकते हैं। और मैंने आपको मेथी दाना बताया, इस मेथी दाने का उपयोग भी आप कर सकते हैं। और एक छोटी सी आखिरी दवा ब्लड प्रेशर की जो हमारे घर में ही हमें मिल जाए, मीठे नीम के पत्ते, मीठा नीम उसके पत्ते, शायद इसी को हम कड़ी पत्ता भी कहते हैं। तो मीठे नीम के पत्ते की चटनी बनाइए और 1 चम्मच चटनी 1/2 गिलास गर्म पानी में मिलाकर पी लीजिए सुबह खाली। और 1 चम्मच मीठे नीम के पत्ते की चटनी 1/2 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पी लीजिए, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो अब आप देखिए आपके घर में कितनी दवाएं हैं जो ब्लड प्रेशर को आसानी से ठीक कर सकती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर अब आपके लिए समस्या नहीं है, आप उसका समाधान खुद कर सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।